इस वक्त लखनऊ जा रहा हूँ बड़े भैया की दवा लेने, और सोचता हूँ पुलिस इंस्पेक्टर का वार निकला है, फार्म भर दूँ, हो सकता है नौकरी मुझे। मोटाई गई ले दुबर काहे किसान, इयन दाता मरत काहे भूखा, इयन दाता मरत काहे उपजाव चौके धान हो, घरे में गुजारा नहीं बा, अबे तक तो एक कैठी पे घरे में पालतू कुत्ता रहा नहीं, अब तो एक कुतिया एक कुकुर और आएगा, बतावा अब चली इनका बने बने खवाई, अचली सबको सेवा करी, तब जाके स्वामी के हमरे तसल्ली हुए, तनी के हमरे मुहे का निकल गया कि इनके हम गोड़ हाथ मींज दे, ये कहा कहा थी भीख मांग के थकी हुई है, तो कहा था हाँ हाँ यह कह देबू तब ठीक है, हाँ अब यह बाकी बा भाई, यह बाकी बा करे का चला ठीक है, लेकिन हम ऐसे ना हो देव, हमारा हमारा जो देवर विजय सिंह है, हमारा जो देवर विजय सिंह है, क्या बताऊं, जब जब से वो सयाना हो गया है उसे देखते देखते मेरा उससे दिल लग गया है, और जब मेरी नजरों से दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी दुनिया ही सुनी चल रही हूं मैं अपने विजय देवर के पास, और मैं उससे कुछ बातें करूंगी और मैं अपने दिल की बातें उससे जरूर बताऊंगी। ए नौकर इधर आओ, ये बताओ। हाँ भौजी। हमारे विजय देवर जी कहां पर हैं? आपके वो विजय देवर? हाँ वो तो बहुत ही परेशान है। क्यों? अपने कमरे में लेटे हैं। अच्छा, उनका मूड खराब है। मैं जानती हूँ किस लिए उनका मूड खराब है। आपको ना पता हो का हमका पता हो? क्या करोगे, नाने से पाले है, कभी कभी उसका मूड खराब ही हो जाता है। सही आप भौज। हाँ मूड ही मनाई है, वो अपनी जाति अपना मूड खराब कर लेता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अब मैं उसे ठीक कर दूंगी। हाँ भौजी
आप ठीक करी है। उसका दिमाग मैं ठीक कर दूंगी, उसको किस चीज की जरूरत है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जाओ उसको मेरे कमरे में बुला के लाओ। ठीक है। आ गए आ गए। ये बताओ तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले जाते हो? मैं? हाँ हाँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हो? स्नान करने। स्नान करने? हाँ। ओ, तभी तो मैं सोच रही हूँ कि इतना खुशबू कहाँ से आ रहा है। अरे कौन से साबुन से नहा के आ रहे हो? मालूम नहीं। मगर धतूरा मोती मोती सैंडल। तो भाभी आपके विजय झुकाइए। अरे रहूं सदा कुछ हाल में। अरे भाभी अरे हुई खुशी ये तबीयत तुझे देख भारी। हुई खुश तबीयत तुझे देख भारी। तबीयत तुझे देख भारी। मिलन की घड़ी है करो नायबा। राजा मैं तुम्हें पास बुलाती हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर जाते हो। अबे बोलो। अबे नहीं माजरा तो समझ मेरे समझदार हो कर करो नानदानी। समझदार समझदार हो कर करो नानदानी। समझ
बस में मेरे किस मिट्टी के बने हो? अरे तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अरे तुम सयाने हो गए हो। मैं जो बात कहना चाहती हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मुझे? हाँ। समझ में नहीं आ रहा है भाभी? हाँ नहीं समझ में आ रहा है तो साफ साफ मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? तुम्हारे जो भैया है, तुम्हारे जो बड़े भैया है, यानी कि अजय सिंह, जो तुम्हारे बड़े भैया है अजय सिंह, जब से मेरी शादी हुई है तो मैं उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। मेरे बड़े भैया की तरफ? हाँ। और जब से मैं तुम्हें देखी हूँ कि तुम सयाने हो गए हो, तब से यही जी चाहता है मेरे राजा कि मैं तुम्हें अपने दिल से, अपने गले से लगाकर अपने मन की प्यास बुझाऊं। एक बार अगर मेरी प्यास बुझा दोगे तो समझ लो कि जिंदगी भर तुम्हें ऐसी ऐसा। अरे मेरी भाभी मैया। मैया नहीं कहना, अगर मुझे भाभी मैया कहोगे तो समझ लो कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अरे चाहे जितना ये फूल मुझ पे बिछा, ये चाहे जितना ये फूल मुझ पे बिछावो, चाहे जितना ये फूल मुझ पे बिछावो। कसम है हमारी भैया को अपना बनाबो, भैया को बनाबो, ये बना बनाबो, भाभी ना मुझे ये काटा। अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम मेरी बात मानना नहीं चाहते हो जानबूझ करके। भाभी। हाँ, मानोगे या नहीं मानोगे? मैं थोड़ा सा डरता हूँ। किससे? किससे डरते हो? मेरे बड़े भैया हैं। अरे तुम्हारे बड़े भैया जाए बाहर। एक बार नहीं, मैं 100 बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे बड़े भैया की शक्ल नहीं देखना पसंद करती हूँ। और तुम हो कि भैया 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 की रट लगाए रखे। पहले बताओ, मान जाओ, मानोगे ना? भाभी, क्या बोलो? तुम्हारा कहना तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन भैया तक मेरे बारे में खबर न जाए। अरे मेरे राजा, तुम्हारे भैया को कौन बताएगा? बाबी। बोलो। अरे मुझे जीने नहीं देती है। आ गए ना लाइन पर? अरे मुझे जीने नहीं देती है यादें तेरी, मुझे जीने नहीं
मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। समझ में आया ढोल में पोल। ठीक है ये बात मैं बड़े भैया से बताऊंगा। अगर ये बात मैं बड़े भैया से बताऊंगा तो बड़े भैया यही सोचेंगे कि अरविंद हम दोनों भाई को लड़ा रहा है। नहीं, ये बात मैं किसी से नहीं बताऊं। अरे क्या हुआ, कोई आया था क्या? भाभी क्या? अरविंद, अरविंद अभी अभी दरवाजे से जा रहा है। इसका मतलब कि हम दोनों को सब कुछ करते देख लिया। अब क्या होगा भाभी? तुम ही बताओ कि क्या होगा, या भगवान अब मैं क्या करूं, मैं कहीं अब क्या होगा भाभी? हम बोलो एक उपाय। कौन सा, कैसा उपाय? एक उपाय है। कैसा उपाय? अगर मेरे कहने पे हाँ तुम चलोगी हाँ ते राज यह कहीं रहेगा। मतलब मैं समझी नहीं, जल्दी बताओ मुझे करना क्या। हाँ, तिर्यातरित्र मतलब अभी तुम यहाँ थे। हाँ, भैया के पास जाओ। हाँ, प्रेम से उनको गले लगाओ। उसके बाद ये तुम्हारा ब्लाउज, साड़ी, ये हार उतार के फेंक दो। अच्छा, अब मैं समझ गई, यानी कि मैं जाकर के तुम्हारे भैया के पास और उनके सामने जाकर तिरिया चरित्र दिखाऊं, यही कहना चाहते हो ना? यही। तो ठीक है, आइए मेरे साथ और मैं देखना कैसे तुम्हारे भैया। ऐसा नहीं तो कैसे? और तब किस बनवाने जिया हो मोरे शराबी राजा। अरे अब किस बनवा में हाँ? अरे जायो जिन सजनिया मनवा, ई मनवा हाँ पागल हो मनवा, पागल हो सुनी सजिया। अब की समनवा में जायो जिन सजनिया मनवा, पागल मनवा पागल हो मनवा, पागल हो सुनी से दिया हम। ये बनवा में मरवा बनेवा में मोरे वामो रिनिया के जोड़ी, बनवा में मरवा मुरनिया के जोड़ी, रतिया में ताना मारे पायल निगोड़ी।
मनवा मनवा पागल हो मनवा पागल हो सुने से रेशमा रेशमा स्वामी क्या हुआ? स्वामी मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं तेरा मतलब नहीं समझा, क्या बात है? स्वामी जो आपका छोटा भाई अरविंद है, क्या हुआ? मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक पीछे से आ और मुझे पकड़ लिया, पकड़ के जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटा। और तेरी बात का है नहीं मुझको ये विश्वास, तेरी बात का है नहीं मुझको ये विश्वास, और अरविंद ऐसा कर सकता नहीं, नहीं मुझे है बात। रेशमा तुम्हें शर्मानी चाहिए, लक्ष्मण जैसे भाई को ऊपर ऐसा कलंक मिटते हुए। स्वामी अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो मैं देवर विजय सिंह को बुलवा करके पूछवा देती हूँ, तब तो आपको यकीन होगा। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होगा तो अपना जो नौकर है फौजी लाल, क्या कहते हो उसको, मौजी राम, इधर आओ भैया। गिरो तूने क्या देखा और क्या सुना? बता दो भैया। नहीं झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगा। महाराज महाराज तू बोल भैया क्या देखा? जोन देखा तही सब ठीक है देखा तही भैया। अपने मुंह से बोल क्या देखा और क्या सुना? कान से लोग हमसे सुन नहीं जाता। जी राम भौजी मैं कह रहा हूँ तूने अपनी आंखों से क्या देखा, अपने कानों से क्या सुना? जोन भौजी कहा दिया है भैया। क्या कह रही हैं? इनकी इज्जत पे हाथ डाला है। ये बात सच है? सही है भैया, कहा झूठे रोटियां। तेरी बात सुनकर, तेरी बात पर मुझे विश्वास हो रहा है कि हो सकता है मेरा भाई अरविंद ऐसा किया है। अगर ऐसा किया है जाओ तत्काल बुलाकर मेरे पास लाओ उसे, जाओ इसी वक्त। जादे एक कहावत कही गई है, गंदी नाली के कीड़े को निकाल कर सुरक्षित जगह पर रखो तो साला रेंगता हुआ उसी नाली में फिर जाता है। आओ आज तलक समझा तुझे मैंने अपना भात, और लेकिन तू अरविंद सिंह निकला काला नाथ।
मैया जी क्या कह रहे समझ न आई बात। अरविंद कर सकता लगी संग मेरा पिटे बंद होएगा है हाँ अब नहीं बोल पावा था हाँ हाँ रेशमा रेशमा स्वामी तुम साइड में लग जाओ आराम जादे जा मेरी माँ तुझे गंगा किनारे से उठा कर लाई थी उसके एक साल बाद मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया मैंने तुझे पालने के लिए क्या क्या नहीं किया। 8 साल की उम्र में मैंने हल चलाना शुरू किया और तुझे पढ़ाया लिखाया लेकिन आज तूने उसका मुझे क्या सिला दिया हराम जादे। मेरे बड़े के भैया हराम जादे मेरे बड़े के भैया खाता क्या हमारा छोटे भाई विजय सिंह को बुलाकर मेरे पास लाओ जाओ वाह वाह अरविंद वाह मैंने तुझे क्या समझा था लेकिन तू क्या निकला रे मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था रे कि तू इतना कमीना इतना गिरा हुआ इंसान निकल जाएगा नहीं, आज तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें इसकी सजा मिलेगी बराबर मिलेगी नहीं बड़े भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे बड़े भैया तूने सीता जैसी भाभी की इज्जत साफ खिलवाड़ किया और अभी कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मौजी राम हराम जादा ना जाने कहां गायब हो जाता है आज तेरा वही हस होगा जो तू मौजी राम क्या हुआ आने दो आप कह रहे हैं बड़े भैया यह गलत है गलत है गलत है गलत क्या कह रहा है झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं क्या मेरी रस्मा झूठ बोलती है ऐसा अरविंद हरे कृष्ण
करेगा नहीं। हरामजादा, तेरी भाभी की इज्जत का लुटेरा है अरविंद, और मेरा निर्देश है ले जाओ इसे जंगल में, इसका कत्ल कर दो। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, और जितना कह रहा हूं उतना तुम्हें करना होगा। अरे भैया, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूंगा। भगवान, जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, आज उसका हो मुझ पर से विश्वास उठ गया। जब और क्या अपनों का विश्वास ही उठ गया तो मेरा क्या। लेकिन बड़े भैया, एक छोटी सी अरदास से क्या कहना चाहता है रे। लाल के मंगनवा दईगा, लाल के मंगनवा दईगा, रहई का टिकनवा दईगा, चलती का चुनिया भैया तक नहीं देखना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं, इसका कत्ल कर दो हरामजादे के जाकर। मेरा सख्त निर्देश है, सुन रहा मेरी बात, जाओ। हम लगती रहे कि जाए भैया तोरे तो तोहा हम खबर ले ही, हां तोहा माटी दे जाए मेहरारुआ सा, हां हां तोरे जवानी चढ़ी है, हां तोरे जवानी चढ़ी है, हां मेहरारुआ सा, हां मेहरारुआ सा। देवर जी, अरविंद, देवर जी, मैं इस हरामजादे की शक्ल नहीं देखना चाहती हूं। तूने हद कर दी भाभी पे जुलम गुजार। देवर जी, देखते क्या है, इस हरामजादे को धक्के मार करके ऐसी जगह भेज दो। संतोष भैया, जल्लाद को बुलाओ, जल्लाद को बुलाओ।
और जला दो दोबारा इस हराम घर के। अबे साले भिखमंगे, इसको साले का तीन टुकड़े करके कि आंख और कलेजा निकाल के भाभी के कदमों में देखा। बुलाओ जल्लाद, जल्लाद हाजिर हो। कहो मेरे सरकार, मुझे किस लिए याद किया है? जल्लाद, इस बच्चे का ले जाओ, इसका मर्डर कर दो, तीन टुकड़े करके इसकी आंख और कलेजा निकाल कर भाभी के कदमों में अर्पण करके तुम्हें 50,000 रुपए मिलेगा। ठीक है सरकार, ले जा हरा दे। इसके बदन में जो वस्त्र हैं ये उतारे जाएं। माला पहरे हैं, चमड़ा पहरे हैं, जल्दी करो। या भगवान, ये दिन देखने से पहले बाधो मेरी मौत क्यों नहीं दे दिया? जो तो का यह करे कहा तो है मौत आए। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया, 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 तिजात पकले बहार देखा मेरे राजा, मेरा कमाल। ए ये लो अपना इनाम। ये कल जे हो का? हाँ, इसमें जो कुछ भी हो सब ले जाओ। भौजी इतना झूठ बोलवाए हो। हाँ, ये माला, माला दी दे दी। हाँ, क्या है माला दी दे? अरे ये पागल माला है। माला दी है बे? माला, माला, माला है। जानते हो क्या है? कवा हीरा या का है? मोती है। मोती माला कब पहरे नहीं रहे? हाँ ठीक है, लेकिन देवर जी चलिए अब देरी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन लेकिन क्या? अब किसी की डर नहीं है। मतलब? अरे तो गया काम से, ये हराम ज्यादा हम लोगों को छुप छुप कर देख रहा है ना अरविंद ना। हाँ लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। बाबे बोलो तो सारे शिकवे गीले भूला के कहो, सारे शिकवे गीले भूला के कहो, जो भी कहने सारे